Hello friends, this is your one and only bodybuilding doctor, Dr. Nikhil Tari. This is our third episode of PhD in Muscle Pump Supplements. So, पहले के दो episodes में हम लोग ने cover किया introduction to NO, arginine और आज का हमारा third episode है citrulline. So, let's see citrulline क्या है, उसके क्या benefits है और उसको कैसा use किया जाए. So, let's begin. Citrulline, what? Amino acid. Citrulline is a type of amino acid. Latin name citrullus. Citrullus से citrulline का नाम आया है. Citrullus is a Latin name for watermelon. और उसका discovery हुआ था 1914 में. उसको isolate किया था watermelon से Koga and Odeke ने. फिर 1930 में उसको identify किया Wada ने और जिसको term दिया citrulline. So उसके key functions क्या है body के अंदर, citrulline के major key functions क्या है. पहला है urea cycle. यूरिया यानी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है अमोनिया वगैरह उसको बाहर निकालना, उसका साइकिल यूरिया साइकिल. और दूसरा जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है एनओ साइकिल, नाइट्रिक ऑक्साइड साइकिल, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर गुड मसल पंप्स इन द जिम्स. सो जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा गया आर्जिनाइन से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और बाय प्रोडक्ट सिट्रुलिन बनता है एंड सिट्रुलिन वापस से आर्जिनाइन में कन्वर्ट होता है और ये साइकिल चालू रहता है. ओके, सो उसके सोर्सेस क्या है. Watermelon, muskmelon, bittermelon, cucumber, pumpkin और synthetic form, supplement form में जो हमको citrulline मिलता है. So उसकी dosing क्या है, doses कैसे है. 1 to 2 grams twice day, दिन में 3 बार 1 से 2 ग्राम लेना चाहिए. But अगर आपको better performance चाहिए, better muscle pump चाहिए, तो उसका dose होना चाहिए 5 to 6 grams pre-workout. Workout के पहले 20 से 30 मिनट पहले 5 टू 6 ग्राम्स का एक डोज आप लीजिएगा, सो दैट यू विल गेट बेटर मसल पंप्स इन योर वर्कआउट्स. सो 6 ग्राम्स का एक सिंगल डोज सिट्रुलिन लेने से क्या बेनिफिट होता है. अगर हम 6 ग्राम्स का सिंगल डोज सिट्रुलिन लेते हैं तो 173% सिट्रुलिन रेज हो जाता है ब्लड में, 150% ऑर्निथाइन बढ़ जाता है एंड 123% आर्जिनाइन का ग्रोथ मिलता है. सो दीज आर द बेनिफिट्स सिंगल डोज ऑफ 6 ग्राम्स ऑफ सिट्रुलिन. प्रॉब्लम है कि सिट्रुलिन जो है एक इंटरैक्ट विद बी सी डबल है, बी सी डबल ए के साथ वो इंटरैक्ट करता है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू टेक बी सी डबल ए ड्यूरिंग द वर्कआउट, जिसके वजह से सिट्रुलिन के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम या बी सी डबल ए के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है. सो एल सिट्रुलिन की जगह यू कैन शिफ्ट टू सिट्रुलिन मैलिएट. मैलिक एसिड और सिट्रुलिन को मिलाते हैं तो इट बिकम्स अ सिट्रुलिन मैलिएट. And अगर आप सिट्रुलिन मैलेट लेते हैं, it is not going to interfere with BCAAs. Side effects क्या है? Mostly तो सिट्रुलिन के कोई भी majority side effects नहीं है, but GI upset, gastrointestinal upset हो सकता है, जैसे nausea, vomiting, पेट दर्द. But वो कब होगा? When you take single dose of 15 grams. 15 grams से ज़्यादा अगर आप dose लेते हैं, तो आपका पेट खराब हो सकता है. So that's it for the citrulline. आपको पता चल गया है सिट्रुलिन क्या है, कैसा उसका इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुआ, उसका डोजिंग क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है. सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए. अगर पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून फॉर द फोर्थ एपिसोड ऑफ अवर मसल पम्प सप्लीमेंट्स पीएचडी एग्मिटिन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. स्टे ट्यून, बाय.